सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हम तीन पार्ट में बनाने वाले हैं, तो पार्ट वन आज यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले राजन सीरीज के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपके सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपके सामने खुल करके आ जाएगी और आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात या फिर बंगाल। दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है या बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था और बौद्ध शिक्षा में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को पढ़ाया जाता था। बौद्ध धर्म में आप सभी को पता है प्रवज्ञा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार होता था और बहुत ही कड़ाई के साथ जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे वो बहुत ही योग्य नागरिक बन करके निकलते थे, क्योंकि बहुत कड़े इम्तिहान के बाद उन्हें उच्च शिक्षा में भी प्रवेश दिया जाता था। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को या फिर कोई नहीं। दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 103 है, छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत या छननीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको अच्छे से पता है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने राजन सीरीज को कंप्लीट किया है, हमारे क्लासेस को भी देखा है, उन्हें अच्छे से पता है कि छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में दिया था। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि समाज के उच्च वर्ग के कम लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए और वही शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। तो ये इनकी शिक्षा थी कि समाज के कम और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और वही शिक्षा समाज के निचले स्तर तक पहुंचे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर विद्यालय। दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक। ये क्वेश्चन आपने राजन सीरीज में भी देखा था, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और ये छन्नीकरण का सिद्धांत तो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है, सुकरात, प्लेटो, हीगल या फिर डीवी। जॉन डीवी दोस्तों प्रगतिवादी है, प्रयोजनवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो इसलिए बाकी सुकरात, प्लेटो, हीगल, स्पेंसर ये सभी आदर्शवादी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, अभी क्वेश्चंस इनसे भी बनेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है, सुकरात, प्लेटो, हार्न या फिर स्पेंसर। सुकरात, प्लेटो, हार्न ये तीनों ही आदर्शवादी हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन द स्पेंसर। स्पेंसर क्या है, प्रकृतिवादी है। इसके अलावा प्रकृतिवाद का जनक किसे कहते हैं, रूसो को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, दमनात्मक अनुशासन, मुक्तियात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या फिर सामाजिक अनुशासन। आप सभी को पता है कि जो प्रकृतिवाद है वो कहता है कि बच्चे को मुक्त रूप से उसे प्रकृति में छोड़ दीजिए, प्रकृति ही उसे शिक्षा देगी और वो करके बहुत सारी चीजें सीखेगा, जब वो खुद करेगा तो वो उन चीजों को बेहतर सीख पाएगा। तो दोस्तों प्रकृतिवाद में मुक्तियात्मक अनुशासन है, यानी कि मुक्त रूप से अनुशासन है, कोई दबाव नहीं है बच्चे पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर मानववादी। राइट आंसर है ऑप्शन स, प्रयोजनवादी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या फिर वेदांत समाज। राइट आंसर है ऑप्शन ब, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने
जन शिक्षा के लिए किया था और नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी लोगों को पता है, राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया था। वेदांत समाज की स्थापना, दोस्तों वेदांत समाज की भी स्थापना विवेकानंद जी ने ही की थी, लेकिन जन शिक्षा के लिए स्पेशली रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखिएगा। इसलिए रामकृष्ण मिशन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोगों को पता है टैगोर जी द्वारा रचित जो पुस्तक थी वो थी गीतांजलि, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है साहित्य का। तो याद रखिएगा आप लोगों, वैसे भी आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को याद ही होगा, बहुत बार मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर? कलकत्ता में, बंबई में, दार्जिलिंग में या फिर बोलपुर में। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी, गुरुदेव टैगोर जी ने किया था, और ये है बोलपुर पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा आप, बोलपुर पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? चित्तल, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर या फिर कानपुर। राइट आंसर है ऑप्शन अ, चित्तल, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा गिजू भाई वदेका का जन्म कहाँ हुआ था? चित्तल, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट। अच्छे से मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी किंडरगार्टन आएगा वहां पर फ्रॉबेल जरूर आएंगे, क्योंकि फ्रॉबेल ने ही किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही किंडरगार्टन प्रणाली को सबसे पहले बच्चों के समक्ष रखा। और दोस्तों इसमें क्या होता था, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया भी है कि जो शिशु होते हैं उन्हें पौधों की तरह और शिक्षक को माली की तरह बताया गया, और स्कूल की तुलना बाग से की गई है। जिस तरीके से बाग में माली सभी पौधों का ख्याल रखता है, सभी फूलों का ख्याल रखता है, वैसे ही शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है और उनकी हर सुविधाओं को ध्यान में रखता है। और दोस्तों किंडरगार्टन को हम हिंदी में कहते हैं बाल उद्यान, तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, फ्रॉबेल का, मॉन्टेसरी का या फिर कमेनियस का। राइट आंसर है ऑप्शन सा, मॉन्टेसरी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? लॉपियर का, गांधी जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का या फिर मैकाइवर का। राइट आंसर है ऑप्शन द, मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज की सबसे छोटी इकाई है, विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या फिर व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों होता है परिवार, तो ऑप्शन ब बिल्कुल राइट आंसर है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, सबसे पहले हमारा परिवार ही छोटा सा समाज होता है, इसीलिए समाज की छोटी इकाई कहते हैं। धीरे धीरे वो मोहल्ला, मोहल्ले से फिर वो जिला, जिले से फिर प्रदेश, प्रदेश से फिर पूरा देश, इस तरीके से जो समाज होता है वो इसका जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन ब ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने कहा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या फिर रॉस ने। राइट आंसर है ऑप्शन ब, टीपी नन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो विद्यालय सबसे पहले उन्हें क्या देता है? संरक्षण देता है। इसके अलावा कोई भी कार्य विद्यालय में होता है तो निष्पक्ष रूप से होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है। इसके अलावा स्कूल में जो कार्य होते हैं वो प्रगतिशील कार्य होते हैं, यानी कि उसका कोई ना कोई आउटपुट निकलता है और अच्छा ही आउटपुट निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। ये बहुत ही अच्छा कथन है दोस्तों, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों, कारखानों से नहीं बल्कि कहाँ से होती है? विद्यालय से होती है। मेन बात यहाँ पर कहा गया है
किसी भी राष्ट्र की उन्नति, कोई भी देश तभी उन्नति करता है जब उस देश के विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है, उस देश के जो विद्यालय होते हैं उनमें सुख सुविधाएं दी जाती हैं सरकारों के द्वारा। और यहाँ पर विधानसभाओं में देश की उन्नति नहीं होती है, व्यवसायों में देश की उन्नति नहीं होती है, कारखानों में देश की उन्नति नहीं होती, बल्कि कहाँ होती है, विद्यालयों में। जब बच्चा अच्छे से पढ़ लिख करके सारी चीजें समझ करके वो जाएगा तो जहां पर भी जाएगा वो वहां पर अच्छा ही करेगा। विधानसभा में जाएगा तो देश को आगे ले जाएगा, व्यवसाय में जाएगा तो व्यवसाय को भी और आगे ले जाएगा, कारखाने में जाएगा तो उसको और अच्छी कंपनी बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्र की उन्नति होती है वो सबसे अधिक निर्भर करती है वहां की शिक्षा व्यवस्था पर, वहां के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाए और शिक्षा के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाए, शिक्षा में हर वो सुविधा बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए जिससे हमारे देश के जो युवा वर्ग है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो कहीं भी जाएं, विश्व में किसी भी देश में जाएं, वहां पर अपने देश का झंडा फहराएं। तो ये होना चाहिए। तो ये कहा है किसने, डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कथन है इनका और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं या शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है। दोस्तों ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 45। राइट आंसर है ऑप्शन ब, अनुच्छेद 46, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। ऐसे मूल्य जो संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैश्विक नीति। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। एनसीईआरटी ने टोटल 83 मूल्यों को स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों जो हमारे मूल्य होते हैं वही हमें प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं हमारे, तो प्रेरित तो हो ही गया। अब दर्शित और नियंत्रित, दर्शित मतलब जो आपको मूल्य मिले होते हैं वो दिखाई देते हैं कि आप कितने अच्छे से लोगों से व्यवहार कर रहे हो, कैसा आप किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हो, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हो, ये सभी चीजें दिखती हैं किसी भी व्यक्ति के मूल्य में, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो नियंत्रित है, क्या सही है क्या गलत है ये भी सोचते हैं, मूल्य ही हमारे ये डिसाइड करते हैं और बहुत सारी चीजें जो गलत होती हैं वो भी हमें करने से रोकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारी बातें ही बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, समाचार पत्र, VCR, TV या फिर रेडियो। दोस्तों वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम है टीवी, क्योंकि टीवी सभी के घरों में होता है। अब तो टीवी से भी फास्ट आ चुका है मोबाइल, लेकिन अभी यहाँ पर जो दिया है हमें उसी आंसर को राइट लगाना है। तो टीवी सबसे अधिक बच्चे देखते हैं, आप सभी लोगों को पता है, टेलीविजन राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सभी बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाई हैं राजन सीरीज में कि किस तरीके से जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सभी चीजें राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। हमारे देश में जातिवाद है, प्रांत प्रांत पर हर चीजें बदलती हैं, वेशभूषा और बहुत सारी चीजें, लोगों की सोच भी चेंज हो जाती है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि लोग जब सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर नहीं रहना पसंद करते हैं, जो सांप्रदायिकता होती है देश में ये भी बहुत ही बेकार है। जबकि हर धर्म यही शिक्षा देता है कि हर धर्म में आप देखोगे कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंसा करो, आप चोरी करो, हर धर्म यही सिखाता है कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, इंसान को सच बोलना चाहिए, इंसान को सही चीजें करनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हर धर्म सिखाते हैं,
तो हमारे देश में जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, ये सभी चीजें हैं और इसीलिए शायद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये बाधा भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार कराना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, या फिर सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यानी कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपको सभी की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना है, चाहे आपकी पोशाकें अलग हो, आपकी आपके रहन सहन आपका अलग हो, क्योंकि हमारे देश में सभी प्रदेशों में आप देखोगे कोई ना कोई भिन्नता आपको मिल जाएगी, लोगों के पहनावे में, लोगों के रहन सहन में, खान पान में। तो इसलिए इन सभी विविधताओं को हमें स्वीकार करना होगा और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता या फिर अनुशासन। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता होती है किसी भी आदर्श समाज की कि वो साक्षर हो। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता पिता या फिर धर्मोपदेशक। आप सभी को पता है बच्चा, बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माता होती है और माँ से ही बच्चा समाजीकरण धीरे धीरे सीखना शुरू करता है बचपन से ही। तो ये चीजें हैं, समाजीकरण का सबसे पहला व्यक्ति किसी भी बच्चे के लिए उसकी माता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ड्यूबी, थॉमसन, ओटावे या फिर ब्राउन। राइट आंसर है जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी का ये कथन है विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। और ड्यूबी क्या थे, ये प्रयोजनवादी थे। तो आप याद रखिएगा कि ये प्रयोजनवादी थे, इसलिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। दोस्तों सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण या फिर नागरिक दक्षता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा मानव निर्माण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या सर्वोपरि उद्देश्य यही है कि आप एक अच्छा इंसान बनाए, किसी व्यक्ति को वो अच्छा इंसान बनेगा, वो सारी चीजें सीख करके स्कूल से जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में भी, व्यवसाय में भी दक्ष रहेगा, समाज में भी दक्ष रहेगा। तो राइट आंसर इसीलिए है मानव निर्माण, सबसे पहले मानव का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमिल की रचना किसने की है। दोस्तों एमिल की रचना की है रूसो ने, आप सभी को पता है। ऑप्शन द बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मूल्य संकट का प्रमुख कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायवाद या फिर स्वार्थपरता। राइट आंसर है ऑप्शन द स्वार्थपरता। मूल्य संकट का मतलब जो हमारे नैतिक मूल्य है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि व्यक्ति स्वार्थी हो जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्वार्थी बनना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे की बातों को समझते हो, और अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप जरूर उसकी मदद करो। स्वार्थी बनना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए शायद आज के समाज में सबसे बड़ा मूल्य संकट का कारण यही है, स्वार्थपरता। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया है ये किसने कहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जॉन ड्यूबी, रॉस एडम्स या फिर हीगेम। राइट आंसर है ऑप्शन आ जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी ने ही कहा है कि जो शिक्षा है ये त्रिमुखी, त्रिमुखी का मतलब शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। और किसने कहा है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने कहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। शिक्षा का कार्य क्या है, उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर हर्बर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन द हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। प्रोफेसर हीगल, प्रोफेसर बागले, प्रोफेसर रिवलिन या फिर ड्यूबी। राइट आंसर है ऑप्शन सा रिवलिन। ये कथन किसका है, रिवलिन का। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। बहुत ही अच्छा कथन है, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रूसो। राइट आंसर है ऑप्शन सा रविंद्रनाथ
टैगोर जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कथन किसका है? मिल्टन का, शेक्सपियर का, वाइट हेड का या फिर एडम्स का? राइट आंसर है ऑप्शन ब, शेक्सपियर का कथन है ये कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से, यहाँ पर हम कर लीजिए, हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का, रॉस का, जॉन ड्यूवी का या फिर प्लेटो का? दोस्तों समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी कि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। जब जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समाज कहां से बनेगा? ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयोजनवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दार्शनिक है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूवी या फिर स्पीयरमैन? दोस्तों प्रयोजनवादी विचारधारा के जो जन्मदाता थे वो थे विलियम जेम्स, इसके बाद दोस्तों नाम आता है जॉन ड्यूवी का, उसके बाद है एडम्स रॉस, उसके बाद है रस्क। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, जॉन ड्यूबी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन ड्यूबी, पियर्स, कांट या फिर हेराक्लिटस? राइट आंसर है ऑप्शन अ, जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी का ये कथन है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता बल्कि उद्देश्य तो व्यक्ति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर के सीखने का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? कर के सीखो, मैंने बार बार बताया था आपको राजन सीरीज में भी कि जो कर के सीखने का सिद्धांत है ये सिद्धांत प्रकृतिवाद से आया है। प्रकृति प्रकृतिवाद में यही चीज कही गई है कि बच्चे को आप खुद से करने दो, प्रकृति में जाएगा वो खुद से, वहां पर जो भी चीजें करेगा वो गलतियां करेगा तो भी सीखेगा और प्रकृति उसे बहुत कुछ सिखाएगी। तो जो कर के सीखने का सिद्धांत है, कर के सीखने की शिक्षण विधि है, ये प्रकृतिवाद की ही देन है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 43 तक आप लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 44 से हम दूसरे पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको इसमें से आ रहे होंगे पहले से, क्योंकि आप लोगों ने अगर राजन सीरीज को कम्प्लीटली सॉल्व किया तो इसमें इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए। और दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि किस तरीके से हमने आपको पढ़ाया। सबसे पहले हमने सभी विषयों के नोट्स बनवाए हैं, फिर सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी को हम करवा रहे हैं और हमने हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितने अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीटली आप लोगों को पढ़ाया है, ये पढ़ाई कहीं नहीं जाने वाली है। आप लोग ध्यान से अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए। दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी, यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और अच्छे से आप सभी वीडियोस को का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।